सो जी, स्वागत आपका एक और वीडियो के अंदर। और ये जो चाबी आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो, ये चाबी हमारी बिलोंग करती हैं इस प्रोडक्ट को। ये है आपके सामने 2024 किया सेल्टॉस एसटीके प्लस आईवीटी गियर बॉक्स के साथ। और ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है ऑलमोस्ट 15.42 लाख रुपीज एक्स शोरूम, 15,42,000 रुपये एक्स शोरूम दिल्ली फैदाबाद के अंदर आपको ये पर्टिकुलर वेरियंट जो है कॉस्ट करेगा। अभी इस प्राइस पॉइंट पर इस गाड़ी के अंदर चीज़ें क्या क्या मिल जाती हैं और क्यों ये वाला वेरियंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी भी साबित हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको टॉप मॉडल तक जाने से रोक सकते हैं, आपका काफी सारा पैसा जो है वो बचा सकते हैं। अभी क्या क्या चीजें हैं उनकी हम एक करके बातचीत करते हैं। प्राइस आपको बता दिया, वेरिएंट आपको बता दिया, अभी फीचर्स आपको बताता हूं। सो ये कुछ इस तरीके की चाबियां आती हैं यहां पे, आप देखोगे तो जो टॉप मॉडल में चाबी आती है वैसी सी यहां पे आपको चाबी देखने के लिए मिलेगी। यहां पे डोर को लॉक करने के लिए बटन है, अनलॉक करने के लिए बटन है। इस बटन को होल्ड करके रखोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी बाहर से, और इस बटन को होल्ड करके रखोगे तो आप अपना बूट जो है वो एक्सेस कर सकते हो। सेकेंडरी की जो है वो भी आपको सेम कंट्रोल्स के साथ मिलती है और काफी प्रीमियम से की। अगर कोई वैसे भी देख लेता है इस चाबी को तो भी वो बंदा बोलेगा भाई प्रीमियम से की है, किस गाड़ी की है। तो कुछ इस तरीके के स्टांस है और इन हैंड फील जो चाबी की काफी अच्छी है। अब इसको पॉकेट में रख लेते हैं। प्रोडक्ट की हम बातचीत करें तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर इसके डायमेंशन है, देख लेना क्या लेंथ है, क्या विड्थ है और क्या हाइट है इसकी। अभी एक एक करके चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं कि प्रोडक्ट में आपको क्या मिलता है। तो पहली चीज़, ये ब्लैक कलर अब आपको बेस मॉडल से ही देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको सेल्टॉस ही चाहिए थी ब्लैक कलर के अंदर, तो अब वो अब अपना बेस मॉडल से भी कंसिडर कर सकते हो। बाकी ब्लैक कलर के ऊपर जो लाइन्स होती हैं ना, ये कर्टन क्रीजेज जो होते हैं, जो वेव्स होती हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से विजिबल होती हैं। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो काफ़ी मस्कुलर से यहाँ पे हुड आपको देखने के लिए मिलता है। नीचे की साइड इसकी DRLs देख रहे हो आप, जो ये है एक्चुअल DRLs हैं, इंडिकेटर जो है हेलोजन बेस है। यहाँ पे आपको एक सिंगल प्रोजेक्टेड यूनिट देखने के लिए मिलती है, सामने से काफ़ी बड़ी सी ग्रिल मिलती है और स्टांड जो है ये सिल्वर के मिल जाते हैं। फ्रंट में चार पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं इस वेरियंट के अंदर, एक दो ऐसे दो उधर की साइड है, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट है और नीचे थोड़ा सिल्वर हाईलाइट यहाँ पे आपको मिल जाती है। बाकी ये पूरा एरिया जो है ये एयर इनटेक के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोजेक्टर बेस यहाँ पे फॉग लैम्प्स भी आपको दिए हुए हैं, जो कि मतलब एक अच्छी चीज़ है। ये यूनिट जो है आपको खाली नहीं लगती है। तो ये पूरी बातचीत रही फ्रंट की, यहाँ पे आपको कोई चीज़ कम नहीं मिलती और जो भी चीज़ दी हुई है वो यहाँ पे भर के दी हुई है। मतलब ऐसा है जैसे फॉग लैम्प्स है यहाँ पे दिए हुए हैं, ये यूनिट खाली नहीं दी हुई है आपको। तो पूरी कंप्लीट प्रोफाइल मिलती है, किया का लोगो है यहाँ पे, और ये देख लो सामने से गजब की लगती है, काफ़ी बड़ी बड़ी सी। साइड में आते हैं तो क्लैडिंग का रेशियो आप देख लो, अच्छा खासा रेशियो है और ये बॉडी के अंदर इस तरीके से मर जाए, मतलब कोई एक्स्ट्रा जो मतलब MM की जो बाहर की साइड होती है वो भी कवर नहीं करता है, बिल्कुल बॉडी के साथ एकदम अलाइन अच्छे तरीके से। बाकी यहाँ पे टायर्स वगैरह की बातचीत करें तो यहाँ पे गुड़ियर के टायर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टायर सेक्शन जो है वो है 205/65 R16। 16 इंच के कुछ ऐसे आते हैं यहाँ पे गन मेटल अलॉयज, यहाँ पे आगे और पीछे आपको डिस्क ब्रेक ही मिलती है बेस वेरियंट से। ग्राउंड क्लियरेंस की बातचीत करें तो 190 mm की गजब की ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी आपको ऑफर करती है, जो कि इस तरीके की गाड़ी के लिए मेरे हिसाब से इतना होना भी चाहिए। बॉडी कलर्ड ORVMs इंडिकेटर्स के साथ हैं, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स हैं, मैट ब्लैक पिलर्स हैं, प्लेन विंडोज हैं, रूफ रिल्स आती हैं और एक शानदार सी चीज़ जो आपका दिल यहाँ पे जीत लेगी वो है पूरी पैनोरामिक सनरूफ, जो कि इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती है। और यहाँ अपना लेफ्ट साइड से डलेगा गाड़ी के अंदर पेट्रोल, ये आप देख सकते हो जिस तरीके से। और ये पेट्रोल वाला वेरिएंट है जो प्राइसिंग मैंने आपको बताई है। पीछे की साइड से आप देखोगे तो शार्प एंटीना, स्पॉइलर, स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर, एकदम कंप्लीट प्रोफाइल मिलती है और बढ़िया से कनेक्टेड टेल लैम्प्स आपको दिए हुए हैं। सेल्टॉस यहाँ पे मेंशन है, IVT जो इसका गियर बॉक्स है उसकी वायरिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो ट्रांसमिशन बेसिकली वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे रिवर्स कैमरा भी आपको दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर प्लेट आएगी इसकी, रिवर्स लाइट, रिफ्लेक्टर्स, चार पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे भी दिए हुए हैं, एक दो और ऐसे ही दो वहाँ पे भी। ये नीचे वाला पार्ट जो है थोड़ा सा सिल्वर ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है, अच्छा सा किया अगर लोगो यहाँ पे दिया हुआ है। अभी बूट की बातचीत करें तो यहाँ पे प्रॉपर मैग्नेटिक बटन आपको दी हुई है, जिसे प्रेस करके बूट आप अपना एक्सेस कर सकते हो। लेआउट्स मिल जाते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है, मतलब इसके लिए मतलब अगर आपको ऐसे पार्सल ट्रे लगवानी गाड़ी के अंदर तो इसके लिए आपको ये पूरी चीज़ें चेंज कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये वाला पार्ट दिया हुआ है, सिंपल आपको यहाँ पे अपनी पार्सल ट्रे जो है वो असेंबल करानी है। 433 liters की बढ़िया सी बूट स्पेस आती है, एकदम फ्लैट सरफेस है। बूट लैंप यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे दोनों साइड आपको पॉकेट्स मिल जाती हैं और कोई लोड लिप नहीं है, तो आप सामान इजीली रख भी सकते हो और इजीली निकाल भी सकते हो। और नीचे एक साइड स्पेयर व्हील आता है जो क्या है सेम ही है, हाँ जी, गुड़ियर का ही टायर है और 205/65 R16। 16 इंच का यहाँ पे आपको ये स्टील व्हील मिलता है और टूल किट वगैरह, फर्स्ट एड किट अपनी सब कुछ इसी के साथ यहाँ पे दी हुई है। तो ये चीज़ें एक एक पॉइंट आप नोट करते रहना, किस तरीके से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, सनरूफ की सनरूफ, अलॉयज के अलॉयज, अच्छी खासी बूट स्पेस, कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और अभी इंटीरियर की भी बातचीत कर लेते हैं, इंटीरियर में भी आपको दिखा देता हूँ कि इंटीरियर में क्या चीज़ें आपको दी हुई हैं और किस तरीके से हैं सारी चीज़ें।
एक और अच्छी चीज़ रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर आपको मिल जाता है, जो कि अगेन एक कूल फीचर है। मतलब चाबी आपकी जेब में रखी रहेगी और बार बार आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो वो चीज़ आप ये देखो इस तरीके से कर सकते हो, बढ़िया। तो चाबी निकालने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ भी अच्छी लगती है, तो थोड़ा और एफर्टलेस हो जाता है सब कुछ गाड़ी को एक्सेस करना। जैसे कि यहाँ की बातचीत करें तो पूरी ट्रिम जो है आपको ब्लैक दी हुई है, और यहाँ पे एक चीज़ आपको अलग मिलती है, वो है डोर लिवर, जो कि सिल्वर फिनिश में यहाँ पे थोड़ा चारों पार विंडोज हैं। ड्राइवर साइड विंडो जो है वन टच अप डाउन भी आपको मिल जाती है। डोर्स के लॉक हैं। ओआरएम्स के इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। स्पीकर है, बोतल होल्डर है। सीट्स की बात करें तो सिक्स वे मैनुअल एडजस्टेड फैब्रिक सीट यहाँ पे आपको मिलती हैं, और यहाँ पे एयरबैग के टैग आपको मिल जाते हैं। फ्यूल लिड खोलने का लेवर यहाँ पे दिया हुआ है, बोनट खोलने का लेवर यहाँ पे। नीचे दो ही पैडल्स हैं, एक्सीलरेशन और ब्रेक, और डेड पैडल के लिए यहाँ पे प्रॉपर प्लेसमेंट दी हुई है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे आपको मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट वाली बटन, और लाइट लेवलिंग डायल भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर, और इंटीरियर में क्या चीज़ें हैं, क्या तरीके की वाइब है, किस तरीके की फीलिंग है, वो चीज़ आपको एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जितना मैं मतलब कर सकता हूँ अच्छे तरीके से वो आपको बताता हूँ। एक बार अच्छी खासी थर्ड आती है, और जो फील है ना, मतलब जिस तरीके की फीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप तभी फील कर पाओगे जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे। मतलब एक अलग सा चार्म है, कहीं तक भी आपको लगेगा नहीं कि भाई मुझे शायद इससे थोड़ा ऊपर जाना चाहिए था, अगर आप एक प्रैक्टिकल बायर हो। बाकी तो अगर आपको ऐसा है मुझे जाना ही है अपर वेरिएंट्स में, तो आप बेसिक से जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, जिसे आप ऐसे एक बार प्रेस करोगे, स्टेयरिंग व्हील जो है अनलॉक हो जाता है, इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे ऑन हो जाता है, आप गाने वगैरह जो है इस सिचुएशन में प्ले कर सकते हो। आप अगर किसी का वेट कर रहे हो तो ईजिली अपना ये चीज़ आप चला सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सेकेंड टाइम जब आप इसको ऑन कर देते हो, सो ये लो जी क्लस्टर वगैरह यहाँ पे सब कुछ ऑन हो जाता है, और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। एक बेसिक डिजिटल ही मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि इसके अपर वेरिएंट में इससे भी थोड़ा ज़्यादा एडवांस डिजिटल जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। उसके अंदर एनालॉग डायल्स वगैरह वो सब कुछ आते हैं, बट यहाँ पे भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। नंबर जो है विजिबल हैं, जिस तरीके से एनिमेशन आती है, एनिमेशन अच्छी लगती है, और जो इन्फॉर्मेशन ये आपको देता है वो भी एकदम डिसेंट है, बिल्कुल बढ़िया। मतलब जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको ऑन द पॉइंट मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे फ्यूल है, टेम्परेचर है, गाड़ी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे स्पीड, इधर साइड आरपीएम वगैरह, और क्लियर है, विजिबल है। मतलब इतनी दूर से भी आप देख रहे हो अल्ट्रा वाइड पे, तो भी आपको सब समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। सो एक ये चीज है। बाकी यहाँ पे आ जाते हैं वाइपर्स के कंट्रोल। यहाँ पे हेडलैम्प्स और इंडिकेटर्स के कंट्रोल दिए हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। यहाँ पैडल शिफ्टर्स हैं, ये माइनस का है, ये प्लस का है। फुल्ली लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है, फ्लैट बॉटम है, और सेल्टोस यहाँ पे मेंशन है। एयरबैग यहाँ भेजेंगे तो काफी स्पोर्टी सा स्टीयरिंग व्हील है, जो मतलब एक मजेदार सी फीलिंग आनी चाहिए स्टीयरिंग को होल्ड करती, वो यहाँ पे डेफिनेटली आपको मिलती है। इसकी एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एंड टिल्ट का ही यहाँ पे सिर्फ आपको ऑप्शन मिलेगा, टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, क्रूज कंट्रोल इस वेरिएंट में आपको मिल जाता है। बाकी डैशबोर्ड एक सेकंड दिखाता हूँ, ऊपरी साइड से पूरी पैनोरामिक सनरूफ आती है। अब इसको हटाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि बार बार फिर हटाना फिर लगाना तो थोड़ा बैटरी का इशू हो जाता है, बैटरी जल्दी से डिस्चार्ज हो जाती है। अभी शोरूम के अंदर खड़ी हुई तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे। बाकी पूरी पैनोरामिक रूफ आप देख सकते हो, कर्टन की क्वालिटी भी आप देख सकते हो, मतलब कि हल्की सी लाइट भी अंदर नहीं आ रही है, तो इस तरीके का यहाँ पे एक अच्छा कर्टन दिया हुआ है पैनोरामिक रूफ के नीचे। बाकी यहाँ पे वैनिटी मिरर है, एयरबैग की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, ये कुछ इस तरीके की व्हाइट लाइट आती है, जो कि टॉप मॉडल में भी ऐसी ही मिलेंगी। सनरूफ के कंट्रोल्स हैं, सनग्लास होल्डर की प्लेसमेंट है, मैनुअल डिमिंग IRVM यहाँ पे दिया हुआ है, और टिकट होल्डर की प्लेसमेंट यहाँ पे दी हुई है। तो ये ऊपर वाली चीज़ें जो हैं ये भी कंप्लीट है। डैशबोर्ड की बातचीत करें तो लेआउट जो है अच्छे हैं, गाड़ी प्रीमियम लगती है। कोई भी चीज़ आप देखोगे तो फिट एंड फिनिश को ले लो या फिर कोई भी चीज़ आप देख लो, अच्छी लगती है। जो चीज़ यहाँ पे है वो अच्छे तरीके से वर्क करती है अपनी जगह पे होते हुए, और ये हैं सारी चीज़ें। अच्छा खासा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे आता है, फिजिकल नॉब्स एंड बटन्स के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। किसी किसी को ये चीज़ें मतलब ऐसा लगता है कि हाँ भी इतनी बड़ी गाड़ी दे रहे हो तो ये चीज़ें क्यों दी हैं। बाकी जब प्रैक्टिकल यूज़ की बात करोगे सो इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ मतलब कोई चीज़ आपको मिलेगी नहीं। बाकी यहाँ पे AC वेंट्स हैं, हेज़लाइट की बटन है, ऑटोमेटिक AC आता है यहाँ पे, ये भी एक अच्छी चीज़ है। और नीचे की साइड थोड़ी स्पेस वगैरह है, यहाँ पे भी स्पेस मिल जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे तो वो चार्जिंग सॉकेट है, USB पोर्ट है, Type-C पोर्ट है, और ड्राइव ट्रैक्शन मोड यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ये अपना कुछ ऐसा आएगा, गियर शिफ्टर, और यहाँ पे PR&D के सिंबल्स हैं, शिफ्ट लॉक की बटन है, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, पूरी ग्लॉसी ट्रिम है, अपना कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक, सिल्वर टिप के साथ आर्मरेस्ट जिसे आप यूज़ कर सकते हो, अच्छी खासी बकेट मिलती है, बढ़िया अच्छी जगह पे है। और यहाँ की बातचीत करें तो अच्छा अमाउंट मिलता है ग्लो बॉक्स के अंदर भी।
बाकी ये थी सारी चीजें, यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कमेंट्स में, अभी पीछे क्या स्पेस है इस गाड़ी के अंदर और एक फैमिली प्रोडक्ट बनने लायक गाड़ी है या नहीं, वो चीजें भी आपको बताता हूँ। पीछे चलते हैं, यहाँ से कुछ रह जाए तो प्लीज पूछना कमेंट्स में। सो अभी चलते हैं गाड़ी की रियर सीट पे और पीछे क्या चीजें वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको कर्टन्स दिए हुए कंपनी फिटेड, जो की अच्छी चीज यहाँ पे है। सेम सारी ट्रिम है यहाँ पे, ब्लैक है सब कुछ, सिल्वर डोर लिवर है, पावर विंडो, स्पीकर, बोतल होल्डर और यहाँ पे प्लास्टिक की स्कप प्लेट्स भी आपको मिल जाती है। अभी स्पेस दिखाता हूँ आपको, ये देखो भाई, मतलब मजा ही आ जाएगा आपको। कर्टन्स की वजह से बढ़िया प्राइवेसी रहती है यहाँ पे, वाइट लाइट मिलती है बढ़िया। और ये कुछ इतना लेग रूम है, थाई रूम में कोई इशू नहीं है और हेड रूम भी आप देख लो कितना है मेरे पास, मैं आराम से यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। रियर एसी वेंट्स हैं, दो टाइप सी पोर्ट्स हैं, थोड़ी स्पेस वगैरह यहाँ पे मिल जाती है। हम्प ना बराबर है बट गाड़ी की चौड़ाई भी काफी ज्यादा है, तो ना इसकी वजह से और ना चौड़ाई की वजह से तीन बंदे परेशान नहीं होंगे यहाँ पे। एक दो तीन ग्रैब हैंडल्स आते हैं, एक और दो तो ही एडजस्टेड हेड रेस्ट हैं, सीट्स के अंदर इंटीग्रेटेड है पीछे वाले, थ्री पॉइंट सीट बेल्ट प्रॉपर दी हुई हैं और ये पीछे से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड का व्यू, शानदार सा बढ़िया एकदम। अभी आप मुझे कमेंट्स बताओ, अगर एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट की बातचीत की जाए जिसमें एकदम टॉप मॉडल वाली वाइब हो बट टॉप मॉडल ना हो, तो ये प्रोडक्ट आपकी नज़र में कहाँ स्टैंड करता है बताना कमेंट्स में। और यहाँ से कुछ रह जाए तो पूछना कमेंट्स में। और अभी हम इसका इंजन कंपार्टमेंट भी आपको दिखा देते हैं कि इस शानदार सी गाड़ी का इंजन बे कैसा दिखता है। सो बात करें गाड़ी के इंजन बे के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कोई इंसुलेशन पैडिंग वगैरह जो आपको नहीं दी हुई है, बट ऐसा चीज की कोई कमी आपको फील होगी नहीं क्योंकि इंजन जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है। ये आपको यहाँ देखने को मिलता है 1.5 लीटर का फोर सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि आपको डेवलप करके देता है ऑलमोस्ट 113 bhp, 144 nm का टॉर्क, 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है गाड़ी के साथ, जिससे ऑलमोस्ट 17 kmpl की माइलेज कंपनी क्लेम कर देती है। बाकी ये है आपके सामने इसका नीट एंड क्लीन सा काफी बड़ा सा इंजन, और एक सेकंड इसको हम बंद कर लेते हैं फिर मिलते हैं फटाफट से। सो ये थे आपके सामने 2024 किया सेल्टोस STK प्लस IVT और मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मतलब एक उस तरीके का वेरिएंट है जिसमें आपको मतलब हर चीज़ मिल जाएगी और टॉप मॉडल तक जाने की आपको ज़्यादा कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं अगर आप ये वेरिएंट अपना कंसीडर कर लेते हो। बाकी अपनी डिमांड की वो चीज़ें होती हैं भाई, मतलब अगर आपको चाहिए कि मुझे अपर वेरियंट में ही जाना है सारी चीज़ों के साथ, तो आप वो भी ले सकते हो। बाकी एक प्रैक्टिकल तरीके से आपको चाहिए कि भाई चीज़ें भी मिल जाएँ और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े चीज़ों के साथ, तो आप ये वेरियंट भी इसका कंसीडर कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर ये प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।